नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। लंबे समय की राहत के बाद अब एक बार फिर से रीवा जिले में कोरोना संक्रमण का मामला मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए डेली कोरोना रिपोर्ट के अनुसार आज 1407 सैंपलों की जांचों में से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही लंबे समय बाद एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बदलते हुए नजर आए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दोनों नए मामले रीवा के शहरी क्षेत्र के हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ML गुप्ता के अनुसार पॉजिटिव आए एक व्यक्ति की बेटी हाल ही में विशाखापट्टनम से रीवा लौटी थी और उन्हीं से कॉन्टैक्ट में आने से वह पॉजिटिव हुए हैं। दोनों ही जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। लगभग 1 महीने बाद मिले नए मामलों से प्रशासन भी हरकत में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कई हफ्तों बाद कोरोना के नए मामले मिलने से एक बार फिर से प्रशासन के साथ साथ आम लोगों में भी तीसरी लहर की चिंता शुरू हो गई है। हालांकि बीते हफ्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मामला बिगड़ते देर नहीं लगती है, इसलिए लोग गाइडलाइन का पालन करें। पिछले हफ्ते भी रीवा में इलाज कराने पहुंचे सीधी जिले के एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। दरअसल इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद रीवा नगर निगम के द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लंबे समय की राहत के बाद अब एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आना निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। आप लोगों को एक बार फिर सतर्कता के साथ रहने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।